ये जगह जो कि ना तो सापुतारा है और ना ही लोनावाला। आज हम आए हैं खूबसूरत पहाड़ों की गोद में, जहां आप बादलों से बातें कर सकते हैं, पहाड़ों में ट्रैकिंग कर सकते हैं और वाटरफॉल के मज़े ले सकते हैं। यहां आपको प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली मिलेगी। ये जगह पे आपको शांति और सुकून मिलेगा, जहां ना तो कोई पॉल्यूशन है और ना ही कोई शोर शराबा है। तो आज हमारे साथ आप भी इस जगह जो कि पोलो फॉरेस्ट के नाम से जानी जाती है, उसको एंजॉय कीजिए। और अब चलते हैं पहाड़ों के बीच। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया हिडन जगह है। हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारी चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और जैसे कि पीछे आप जगह देख रहे हो, तो आज हम जैसे कि इंट्रो में आपने देखा, जा रहे हैं पोलो फॉरेस्ट, जो कि वन डे ट्रिप के लिए एक बहुत ही बढ़िया जगह है। हमारी सिटी से करीबन 60-65 किलोमीटर के दूरी पर है। अभी यहाँ पर हम लोग चार लोग हैं और जयमीन और यश, वो आगे रानी तराव भी हमारा वेट कर रहे हैं, तो उनको आप मिलते हैं और उधर से चलेंगे अभी आगे। पोलो फॉरेस्ट जाते बीच में आपको मिलता है ये रानी तालाब, जो इडर में है। और यहाँ का ये नज़ारा, जहाँ बादल पहाड़ों को छू के निकल रहे हैं। ये है तालाब के बीचों बीच मंदिर, जो तेज़ बारिश होने के बाद इसकी चारों तरफ पानी ही पानी होता है। और अब यहाँ से हम लोगों का सफ़र शुरू होता है। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बीच में रुके हैं और जयमीन बोल रहा है कि यहाँ पे बहुत ही बढ़िया हिडन जगह है, जैसे जैसे अंदर जाओगे वैसे वैसे मजा आएगा। तो चलो मजा लेते हैं पहले अंदर जाके। तो अभी धीरे धीरे चलते हैं आगे और आगे का रास्ता देख लो। इस बॉर्डर को पार करके हम लोग निकल पड़े आगे। और इस बारिश के मौसम में दोस्तों के साथ ये जगह और भी मजा देती है। बहता हुआ पानी और ये इसकी आवाज, जो दिल को बड़ा सुकून देती है। दोस्तों धीरे धीरे करके हम बहुत अंदर आ चुके हैं। अभी पोलो फॉरेस्ट शुरू नहीं हुआ है, अभी रास्ते में एक जगह पर रुके जहाँ पर जयमीन अभी आया था। और देखिए इधर आगे अभी देखे तो अंदर जा सकते हैं, लेकिन हम रिस्क लेना नहीं चाहते इधर। जी हाँ, इधर हमने देखा बॉर्डर लगाए हुए हैं फॉरेस्ट वालों की, तो सोच रहे कि इधर से आगे चले जाए और ट्रैकिंग के लिए फिर पहाड़ों पर जाए, ठीक है ना? सही है। तो यहाँ हम सब ने थोड़े फोटोज वगैरह क्लिक करके निकल गए वापिस और फिर से वही बॉर्डर से सीधा बाहर। ऋषि भाई यहाँ पर लगाएंगे उनका थैला, जो हमारी बैग को भी बचाएगा। वैसे बैग तो वाटरप्रूफ है, मैंने देखा था, लेकिन क्या करें, सेफ्टी के लिए सब करना पड़ता है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे पोलो फॉरेस्ट, और ये गाड़ियां देख के आपको भीड़ का अंदाजा लग गया होगा। हो सके तो आप संडे के दिन ना आए तो ही बेहतर है। तो जैसे कि दोस्तों अभी हम आ चुके हैं इधर पोलो फॉरेस्ट में। यहाँ पर जैसे कि आप भीड़ देख सकते हो, यहाँ पर उस साइड पूरा पार्किंग एरिया है और यहाँ पर ये ऑटो रिक्शा। तो अगर आप बाइक लेके आते हो तो एक एडवांटेज रहेगा कि आपको बाइक अंदर ले जाने को, मतलब यहाँ से जाने देते हैं पुलिस वाले, वरना आपको इधर से ऑटो में ही जाना पड़ेगा आगे। तो आप इस बात का ध्यान रखना, अगर गाड़ी लेके आते हो तो इधर से आगे का रास्ता ऑटो में है और पार्किंग वहाँ पर सामने। तो अभी हम धीरे धीरे चलते हैं अंदर और आगे का सफ़र वैसे ही हम जारी रखेंगे। तो व्लॉग पे बने रहे, बहुत ही मज़ा आएगा। तो जैसे कि दोस्तों आप पोलो फॉरेस्ट में जैसे ही एंटर होते हो, हम लोग यहाँ पर खड़े हैं एक ब्रिज पे, तो आपको मिलेगी ये जो पीछे रिवर देख रहे हो। तो सबसे पहले आती है ये बहुत ही बढ़िया रिवर, जिसमें पानी अभी थोड़ा कम है। अभी वेट हो रहा है मौलिक और हर्ष का, जो पीछे रह चुके हैं, तो वो आए, उसके बाद में डिसीजन लेते हैं कि क्या करना है, ऊपर जाना है नहीं जाना है, कहाँ से जाना है कुछ पता नहीं है। और आज संडे है तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। तो जैसे कि दोस्तों हमारे पीछे यहाँ पर है वाटरफॉल, और जैसे मैंने आपको दिखाया वहाँ पर पीछे ट्रैकिंग के लिए जहाँ से ऊपर जाते हैं। अभी हम इधर रुके हैं मैगी खाने के लिए,
क्योंकि बारिश का मौसम है और गर्मा गर्म मैगी के मज़े ही अलग है। तो पहले जाएंगे इधर से वाटरफॉल पे और वहाँ से फिर यहाँ जो आपको सामने पब्लिक दिख रही है वहाँ से ऊपर चढ़ना होता है। तो फटाफट मैगी खाते हैं, उतनी देर में मौलिक और हर्ष भी इधर आ जाएंगे और फिर चलते हैं आगे। बारिश के मौसम में हरे भरे पहाड़ों के बीच आपको मिल जाए गर्मा गर्म मैगी और वो भी दोस्तों के साथ, तो सच में मज़ा दुगना हो जाता है। और अब आपको दिखाता हूँ रियल ब्यूटी पोलो फॉरेस्ट की। तो दोस्तों फिर से अभी बारिश शुरू हो चुकी है और हमें जाना है अभी ऊपर। तो रास्ता कहाँ से जाता है, तो अभी एक भैया मिले, उन्होंने रास्ता बता दिया, वरना हम लोग तो वैसे ही चले जाते। चलो चलो ओए आवाज़ आवता रहो। हम निकल गए जंगलों के बीच सुनसान रास्तों से होते हुए पहाड़ों की खूबसूरती को देखने के लिए। अभी हम इधर आते हैं प्री वेडिंग शूट के लिए, तो उसमें सीन ऐसा है कि कभी हम ट्रैकिंग के लिए नहीं आते क्योंकि क्लाइंट रहते हैं, काम करना होता है, फ़ोटो शूट करना होता है। तो आज प्लान संडे था तो दोस्तों के साथ प्लान हमारा रेडी हो गया कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। मौलिक भाई बोल रहे हैं कि यहाँ पर बर्दे और बकरे आते हैं। भाई स्लीप साइज हो जो कोई पौड़े हो तो बात पूरी। आप इधर जब भी आते हो, अगर आपका प्लान है कि ट्रैकिंग और सब कुछ करना है, आप मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी आ जाइए ताकि आपको भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो फाइनली दोस्तों हम लोग ऊपर तक तो आ चुके हैं। भैया ने जैसे बोला कि यहाँ पर ड्रोन फ्लाई मत करना वरना फॉरेस्ट वाले ले लेंगे, पर देखते हैं क्या होता है, अभी चलते हैं आगे। भीड़ जितनी नीचे नहीं है इतनी ऊपर है इधर, क्या सारे लोग इधर ऊपर आ चुके हैं और आप नज़ारा देख सकते हो पीछे वहाँ से। तो जैसे कि दोस्तों अभी हम पहाड़ पर आ चुके हैं ऊपर, अभी हमने यहाँ पर फोटोशूट किया, वहाँ पर कुछ लोग पिकनिक भी कर रहे हैं, खाना वाना लेके आए, तो आप भी लेके आ सकते हो। यहाँ पर अलग अलग पॉइंट हैं, जैसे कि एक ये रहा, इधर फ़ोटो खींच सकते हो, एक आगे था और यहाँ पर भी आगे बहुत सारे पॉइंट हैं और ये पहाड़ों पे बादल। तो वन डे ट्रिप के लिए अगर आप प्लान कर रहे हो तो इधर आ सकते हो डेफिनेटली। अभी इधर से धीरे धीरे हमें जाना है नीचे और चलना है आगे, आगे जो डैम है इधर वो देखेंगे, उसके बाद देखते हैं मंदिर के अंदर जाना है कि नहीं जाना है, वरना उसके आगे हमें पिलोड़ा से होते हुए घर पे जाना है, तो उधर आगे भी बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह है तो उधर भी रुकना है। तो अभी फटाफट चलते हैं नीचे, अभी हमारी पलटन हमारा वेट करते हुए। तो अभी ऋषि भाई ने आगे जाने का साहस किया है, उसके पीछे यश, के पीछे हर्ष और वो दो लोग तो पीछे ही पीछे। तो चलो अभी मैं भी इनके साथ नीचे चला ही जाता हूँ। चलो 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 ये लोग जाए, उसके बाद में मैं धीरे धीरे चला जाता हूँ क्योंकि रिस्क बहुत है इधर। लिपसना नहीं, फिसलन ज्यादा है, फिसलन ज्यादा है। जगह मु कौन नहीं तो गया। सोल रुपी को चप्पल तो पहले ही क्यों सोल रही हो।
अवशेष सोलना अवशेष भेडियो जो सी आई ना पाको व्लॉग में आवा ना तुम्हें। हर्ष ने एक काम अच्छा किया, वो घर से थेपला लेके आया था तो मैगी के साथ हमने थेपला और चटनी थी कुछ, और वो खाने से उतनी एनर्जी तो रहेगी, ऊपर से मतलब ऊपर गए और नीचे आए तो अभी वैसे काफ़ी एनर्जी है। अभी सोच रहे वाटरफॉल पे नहाने का, वो करते फाइनली ये जगह जो आपको पोलो फॉरेस्ट में मंदिर तक पहुंचाएगी। और भीड़ आज इतनी ज्यादा थी कि क्या बताए। तो जैसे कि दोस्तों हम वाटरफॉल जो हमने आगे देखा और जहां पर ट्रैकिंग की, तो उधर से अभी हम लोग आ चुके हैं आगे, और जो मेन पोलो फॉरेस्ट के जो जैन मंदिर है, शायद जैन मंदिर ही है मुझे भी पता नहीं है, आवाज़ भी चिल्ला चिल्ला के मेरी बैठ गई है। तो अभी यहाँ पर पकौड़े खाने के लिए हम रुके हैं। अभी हम अंदर मंदिर में नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ से आगे अंदर जाने में दिक्कत यही है कि भीड़ बहुत है और वैसे भी टाइम वेस्ट होगा। तो दोस्तों अभी पकौड़े तो खा लिए हमने, और उधर से सीधा जैसे ही आप पोलो फॉरेस्ट है जैन मंदिर से आगे आते हो विजयनगर की ओर, तो वहाँ पर आपको बीच रास्ते में मिलेगा डैम, जहाँ पर आपको थोड़ा नीचे साइड में रास्ता है उधर जाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग धीरे धीरे चल के जा रहे हैं डैम की ओर और दिखाते हैं आपको डैम का नज़ारा कैसा है। तो पहुँचते फटाफट वहाँ पर। डैम का नज़ारा देखने के लिए आपको थोड़ी पैदल यात्रा करनी पड़ेगी, और दोस्तों के साथ बातें करते हुए हम सब लोग निकल गए डैम की ओर। ये छोटी सी सीढ़ियाँ और उसके बाद आपको मिलेगा ये नज़ारा। बहुत हार्ड हमारे गांव का तालाब इससे बड़ा। इधर आना वर्थिट है कि नहीं है? बहुत, बिल्कुल भी नहीं है, बहुत वर्थिट है। तो हमेशा यहाँ पे आना चाहता हूँ। लाके मत आना, किसने बोला था यहाँ पे आने वो भी बाइक लेके क्रेटा लेके आ। ये हर्ष को देखना था कि मुझे डैम देखना है। और सच में इधर डैम में देखने लायक कुछ नहीं है, उधर दरवाजे वो भी बंद है, और बस ये छोटा सा तालाब। डैम पे से वापस इन खुले रास्तों के मजे लेते हुए हम लोग निकल गए डैम के पिछले वाले हिस्से में, और यहाँ पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली मिलेगी, ना कोई शोर शराबा और बस सुकून ही सुकून। तो जैसे कि दोस्तों आप जगह देख सकते हो हरी भरी, पीछे वहाँ पर डैम था जहाँ से हम लोग आए, तो डैम पे तो कुछ था नहीं। तो डैम से अगर आप थोड़ा आगे आते हो वहाँ पर दो रास्ते मिलेंगे, एक इधर जाएगा और एक विजयनगर नीचे जाता है। तो उधर से अगर आप थोड़ा नीचे आते हो तो एक और कच्चा रास्ता आपको मिलेगा, और वहाँ से सीधा आप इस जगह पे आ सकते हो। बहुत ही प्यारी जगह है। जो डैम है ना वो पूरा ये डैम की जगह है। अभी पानी कम है इस वजह से इधर क्या हरा भरा सब कुछ हो चुका है। अभी हमारे जो साथी मित्र थे वो सब मछलियाँ पकड़ने के लिए गए हैं, वो जहाँ पर सब लोग मछली पकड़ रहे हैं, तो हम भी वहाँ जा रहे हैं, देखते हैं वो क्या करते हैं। तो ये देखिए मछलियां हम लाइव पकड़ी, लाइव फिशिंग करी, और ये बड़ी वाली है ये मोटी वाली जो पापलेट टाइप है। कहां पकड़ा है? मिट्टी को कैसे लाया तो दिखा। कोटा के भाई कोटा है बीएम ओ नीचे लगा दिए वेरी कैसे। ओ इसमें तो पूरा बाजार मछली बाजार है। तो दोस्तों अभी हम डैम के पिछले वाले हिस्से में जहाँ पर पानी कम है, तो यहाँ पर थोड़ी देर हमने एंजॉय किया, और इधर से हम लोग अभी सीधा जाएंगे घर पे हमारी सवारी के साथ में, दो एक्टिवा और हमारी बाइक जो कि आज बाइक की पहली ट्रिप थी। और अभी निकल गए घर पे, हम लोग आए थे हिम्मतनगर से इडर, और इडर से सीधा पोलो फॉरेस्ट। अगर आप अहमदाबाद से आते हो तो आपको हिम्मतनगर के रास्ते आना पड़ेगा, और बिलोड़ा साइड से भी आप आ सकते हो। तो अपनी अपनी चॉइस है, जहाँ से जो रास्ता सही लगता है उधर से आ सकते हो। तो पहुँचते फटाफट, और अगर हमारी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली नई जगह पे नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।